नमस्कार दोस्तों, आज की सैड स्टोरी में हम कल्पना की दर्द भरी कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचने वाला कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। कल्पना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो आइए अब जानते हैं कि क्या कल्पना की दर्द भरी कहानी है। कल्पना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वो अपने घर पर ही छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कल्पना का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। कल्पना के माता पिता उसके शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी कल्पना के मामा ने एक लड़के के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि लड़का का नाम राहुल है और वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने का 70,000 रुपया कमाता है। कल्पना के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब कल्पना की माँ ने कल्पना को फ़ोटो दिखाई तो कल्पना ने कही कि जब आप दोनों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। कल्पना के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से कल्पना की शादी हो गई। अब कल्पना के बचपन के घर को छोड़कर नए घर चली गई। कुछ दिनों तो कल्पना को अपने माता पिता और अपने घर को बहुत याद आई। कल्पना के शादी के अब महीने बीत गए थे। उसके पति राहुल पहले जैसा व्यवहार नहीं करता था। कल्पना से वो चिड़ा चिड़ा सा रहता था। राहुल अब न पहले जैसे कल्पना को प्यार करता था और न ही उसकी बातों को मानता है। कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। बस वो रो रो कर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती थी। एक दिन पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता था और किसी लड़की से बातें करता था। जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि आप रोज़ाना छत पे जाकर किससे बातें करते हैं, तो राहुल इस पे कल्पना को जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ। तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में कल्पना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी हो और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई को सही से ख्याल नहीं रखते हैं। यह सुनकर कल्पना का शक अब हकीकत में बदल चुका था। अगली सुबह जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी, राहुल मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, कल्पना मैं बीवी हूँ आपकी, राहुल देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई, कल्पना तो फिर मुझसे शादी क्यों किया, राहुल बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया, कल्पना अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाता हूँ। नेहा को जब कल्पना ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में आकर कल्पना को बहुत मारा और उससे कमरे में बंद कर दिया। कल्पना के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन कल्पना की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर भी उसी हालात में उसने खाना बनाया। कल्पना ने ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। राहुल अब कल्पना के साथ नौकरों जैसे व्यवहार करने लगा था। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। कल्पना धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत ख्याल आने लगा। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बातें करती थी। आखिरकार एक दिन कल्पना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को यह बात पता थी कि कल्पना ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ कल्पना के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कल्पना की मां ने पुलिस को आत्महत्या के कारण ससुराल वालों को बताया।
पुलिस और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसे के दम पर कुछ दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छिपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही कल्पना के साथ हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में बताएं।